बैक फ्रॉम द ब्रेक फ्रेंड्स. ब्रेक से पहले जो है हम लोग यहाँ पे चाइना ग्रास, दूध और चीनी का एक मिक्सचर बना रहे थे. और उस मिक्सचर को क्या कहते हैं जी? उस मिक्सचर को कहते हैं चाइना ग्रास की पुडिंग. चाइना ग्रास की पुडिंग. और जो वो बन चुका है और जी, बन चुका है. ये हमने इसमें डाल दिया है. अब ये हम इसको थोड़ा सा, जरा सी इसकी भाप हल्की हो जाए तो फिर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये जम जाए, सेट हो जाए. ठीक है, बिल्कुल पुडिंग की जो शक्ल है वो तैयार कर ले. साथ ही अब हम क्या जी, अब हम ये कर रहे हैं बस, फ्राई कर रहे हैं. एग फ्राइड राइस बनाएंगे हम. हाँ जी, ये हम डालेंगे इसमें 1 से 1.25 कप के करीब तेल. ठीक है, ठीक है. कुकिंग ऑयल हमने डाला बस ये, ताकि हमारे राइस जो है जरा खिले खिले रहे. बिल्कुल बिल्कुल. दोस्तों आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर दिया जा रहा है. साथ ही साथ हमें SMS भी भेज सकते हैं. सन लिखें, स्पेस दें, नाम और शहर का नाम लिखकर टॉपिक के हवाले से जो कहना चाहते हैं कहिए और भेज दीजिए 1313 पर. टॉपिक हमारा चल रहा है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, ये आपको हमें बताना है. और साथ ही साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी, आप लोग कॉल करके कह सकते हैं जी. अब देखिए ये क्रिस्टिना, सबसे पहले जो है ना एग फ्राइड कर दूंगी इसको. एग जो है ना हमारे, उनको हम तैयार कर लेंगे पहले. उसके बाद हम सब्जियां अपनी जो रखी हुई हमने, ये हम फ्राई करेंगे. हाँ, फिर हम एंड में हम जो चावल डालेंगे. ठीक है, 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है गार्लिक पेस्ट. ठीक है, अच्छा इसके साथ ही जो है हम सॉल्ट डाल देंगे. 6 eggs है हमारे पास ना, उसके हिसाब से. ठीक है, और ये हम हाफ डालेंगे ब्लैक पेपर. सही है. इसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा गरम हो जाए हमारा ऑयल. गार्लिक पेस्ट और हमने ब्लैक पेपर ऑयल के अंदर डाला है 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा नमक हमने सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, ताकि हमारे जो एग्स हम पहले फ्राई कर रहे हैं तो उस पे एक टेस्ट आ जाए. ब्लैक पेपर का, सॉल्ट का और लहसुन का पेस्ट हमने डाला है ना, इसका ये थोड़ी सी खुशबू आ जाए हमारे लहसुन के पेस्ट में. अनिला, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपकी कोई डेडिकेशन मुल्क के लिए आपने कुछ किया? मैंने ऐसे छोटा मोटा सा, मैं बता चुकी हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि कुछ बहुत नहीं, मुझे पता है कि सरहद पे नहीं जाने का काम किया जाएगा, आम पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता. और छोटा मोटा अगर आपने कुछ भी होता है ना, मैं बताती हूँ आपको. ये है कि मैंने कुकिंग में तो बहुत कुछ किया है, मैंने कोर्सेज किए हैं मुख्तलिफ इदारों से. उसके अलावा ये कि मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, रेडियो पे भी किए हैं, टीवी पे भी किए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे किए हैं. बेहतरीन. उसके अलावा मेरे ये है कि अखबारात में आर्टिकल्स भी बहुत आते रहे, मैगजीन्स वगैरह. आप लिखती भी थी? यस. दैट्स वंडरफुल भाई, हमारे साथ तो हमें पता ही नहीं था, छुपी रुस्तम निकली हैं आप तो. मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं. आप राइटर भी थे. बेहतरीन बेहतरीन, मतलब कि बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भाई. थैंक यू वेरी मच. और अंडे जो है हमारे गर्मा गर्म ऑयल के अंदर डल रहे हैं. एग फ्राइड राइस है इसलिए मैं 6 इसमें हम डालेंगे ताकि जो है टेस्ट वो प्रोमिनेंट रहे. और फ्रेंड्स, लहसुन के साथ जो काली मिर्चों का एक खुशबू एक आ रही है ना यहाँ पे, बहुत ही मजेदार खुशबू है वो. और मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तब कितने मजे का लगेगा. जबरदस्त होते हैं, अभी रेडी भी नहीं हुआ है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. 6 हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं. बिल्कुल. अभी तक ये कुर्बान नहीं हुए और ये हो चुके हैं कुर्बान. और ये हो गए हैं. और बहुत ज्यादा हम इसको चलाएंगे ताकि थोड़े मोटे-मोटे से पीसेस रहेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि जैसे कि एग फ्राइड राइस है तो एग पता चले कि राइस ये नहीं गया, फिर वो ढूंढना पड़ते हैं कि इसमें अंडे डाले थे या नहीं. आपने देखा होगा उस दिन मैंने सूप बनाया था, उसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलाया था. बहुत बेहतरीन हमारा सूप था. अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारी रेसिपीज घर पर ट्राई कर रहे हैं तो भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपने रेसिपी जो है ट्राई की. अगर आपको कुछ ऊपर नीचे उसमें लगा तो आप पूछ सकते हैं, क्या पता आपने ठीक तरह से फॉलो ना किया हो. अनिला आपको बता देगी कि ऐसा क्या था जो आपने नहीं किया जिसकी वजह से रेसिपी खराब हो गई. हमारा शो मेरा ख्याल 4 या 5 दफा रिपीट हो चुका है चाइनीज का. अच्छा, बिल्कुल. और कल नरगिसी कोफ्ता का आपने देखा? मैंने मिस किया. आपने देखा? मॉर्निंग में भी था वो और इवनिंग में भी, मैंने दोनों टाइम अच्छा, देखा. बहुत प्यारा गया. हमारे तो शहजाद साहब थे सऊदीया से, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी नरगिसी कोफ्तों की. तो आज अगर वो देख रहे हैं तो आई होप कि आपने देख लिया हो शो. लग रहा देख लिया, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश थी. 3 दफा उन्होंने कम से कम रिक्वेस्ट की थी ना. और हमारे पास यहाँ पे कॉल है एक उज्मा की. अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उज्मा. शिमला मिर्च 1 कप. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम उज्मा, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हां जी, अभी आ रही है मुझे. हेलो, आई एम अ नर्स. अच्छा, यू आर अ नर्स? आई एम अ नर्स और मेरे को बहुत
प्राउड रहा, ये प्राउड मेरी मम्मी से मुझे मिला है कि मैं खिदमत करूंगी बहुत लोगों की और मैं करती हूँ लोगों की खिदमत। बेहतरीन, बहुत नर्स तो बहुत है। एक नर्स से बेहतरीन हमदर्द इंसान कोई नहीं सकता। खिदमत बहुत फकत है, मैं अपने ससुराल की भी, अपने घर की भी और मरीजों की भी खिदमत करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उज़्मा हमारे साथ हैं कॉल पर और उन्होंने बताया कि उन्होंने इतनी मतलब कि अपनी जिंदगी में खिदमत अंजाम दी है। जुल्फिकार अली, यही दुआ है कि आप लोग भी खिदमत करना सीखें, मुल्क के लिए भी, अपने घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी। इंशाल्लाह ताला हम सारे ही लगे हुए हैं, कहीं ना किसी न किसी काम में हम लगे हुए हैं और एक तरह से अपने मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं। देखे ना, साहब के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, इस फैमिली ने बहुत सारी कुर्बानियां दी और मेरी दुआ है खुदा इनको अपनी पनाह में रखे। आमीन, अल्लाह हाफिज। बहुत ही बेहतरीन कॉलर हमारे साथ थी उज़्मा, जिन्होंने हमें बताया। बेशक भुट्टो साहब की फैमिली ने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं और हमारी भी यही दुआ है कि खुदा उनके खानदान को जो अपनी पनाह में रखे, और साथ ही साथ ये एक कप हमने कैबेज डाल दिए इसमें, हाँ, और एक कप हमने शिमला मिर्च डाल दी, ठीक है जी, बिल्कुल। और एक कप हमने गाजर रखी हुई, शिमला मिर्च हम डाल चुके थे और अब हमने एक कप ये हमने बंद गोभी रखी है, कैबेज, सही है, ये भी हमने डाल दी। इन सब्जियों के बगैर चाइनीज डिश तैयार नहीं हो सकती, ये सब्जियां बहुत जरूरी हैं, उसमें एक टेस्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास कॉल थी यहाँ पे उज़्मा की, जिन्होंने बताया कि वो एक नर्स हैं। अच्छा, नर्स का जो एक पेशा है, डॉक्टर हो गई या नर्स हो गई, बहुत ही मुकद्दस पेशा है और मतलब कि आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, आपके सामने एक पेशेंट मर रहा है जिसको आपने बचाना है। मैंने पता है एक ड्रामे में एक्टिंग की थी नर्स की, और मेरा खुदा जानता है कि वो कितना डिफिकल्ट करेक्टर था। मेरा अभी तक एक मैं समझती थी कि इजी होगा, हो जाएगा आराम से, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए एज अ नर्स। इंजेक्शन लगा हुआ है, उसको निकालना, आपके हाथ कांप रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये बहुत हार्ड काम है ये, और इंसानियत की खिदमत। माय गॉड, अगर नर्स अच्छी हो या आपको डॉक्टर कहीं अच्छे मिल जाए तो मरीज के दिल की इतनी दुआ निकलती है ना, और उनको लगती है। लोगों को मैंने देखा है, मैं हॉस्पिटल में शूट करी थी तो नर्सेस के साथ इस तरह से बात कर रहे होते हैं एज इफ वो आपके अपने घर के पर्सनल सर्वेंट्स हो। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आप लोगों की खिदमत कर रही है, आप लोग उनको रिस्पेक्ट दें। अभी इन्होंने आके बताया कि ये पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रही है, पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रही है, तो पाकिस्तानी कौम का जो है वो फर्ज बनता है कि वो जो है खिदमत का जो है ना सही सिला दें, सिला दें, उनकी इज्जत करें। वो आपकी खिदमत कर रहे हैं तो आप उनकी कम से कम रिस्पेक्ट तो करें ना। कितना मुकद्दस पेशा है, मैं कहती हूँ नर्सिंग का पेशा सबसे ज्यादा मुकद्दस। हाँ जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है हमारे डिश भी है वो तैयार हो रही है। देखिए हम इसमें टेस्ट के लिए ना थोड़ी सी कुटी मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून, ठीक है, ठीक है। और सब्जियां भी जब फ्राई होती है ना तो उसकी भी एक अलग ही खुशबू आती है, मजेदार से, और मजेदार सा ही यहाँ पर एक माहौल बन गया और खूबसूरत इतनी लग रही है हमारी सब्जियां और अंडा, रंग बिरंगी प्यारी, कितनी खूबसूरत सब्जियां बनाई है। ये देखिए मैं वूस्टर शायर सॉस डाल रही हूँ, 3 टी स्पून, ठीक है, 3 टी स्पून वूस्टर शायर ये कुछ मुख्तलिफ इनके होते हैं, ये मैं डाल रही हूँ बारबी की सॉस है, ये भी 3 टी स्पून। अच्छा जी, मुख्तलिफ क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स उनके कुछ अरक वगैरह ये निकालते हैं। अच्छा, उससे बनाई जाती है। चाइनीज जाहिर है ये हमारी कुजीन तो है नहीं। अच्छा, दरअसल हमारे पास अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें बताया करें इजीएस्ट जो चीजें होती है ना। ये जीरा मोटा डाल रही मैं 2 टीस्पून, ठीक है, और ये हम डाल रहे हैं ड्राई पार्सले। ड्राई पार्सले हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पे, हाफ टी स्पून। और हमारे पास कॉल है जायदा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जायदा, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? चाइनीज बन रहा है आपके? जी जी जी, अभी मैंने अभी टीवी खोला है। अच्छा, अभी हाँ, अब काफी निकल चुका है मेरे ख्याल से। जी बताएंगे हम आपको, रिकैप दे देंगे। हेलो, हम बताएंगे आपको, रिपीट करेंगे। अच्छा, रिपीट करेंगे। व्हाइट वही करें, मैं आपको अपनी डिश बताऊं, बनाएंगी? हाँ जी, कोशिश करेंगे, आप नेक्स्ट प्रोग्राम्स में बनाएं, बताइए। चलो मैं मेल कर दूंगी आपको। जी बताइएगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जाहिदा। अरे हमारे पास कॉल थी जायदा की, लेकिन इनकी आवाज़ जो थी ना वो क्लियर नहीं थी, इसलिए हमें जो कॉल है थोड़ा जल्दी से जो है वो ड्रॉप करनी पड़ी। इसलिए इसमें हमने अभी ना 3 टी स्पून वाइट विनीगर डाला, वाइट विनीगर डाला है, ठीक है, ताकि एक खुशबू मज़ेदार सी आ जाए इसमें। और ऐसा है कि मैं इसको फ्रीजर में रख के आती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप फ्रीजर में रख दीजिए।
और साथ ही साथ जो है हमारे जो एग हैं वो सारी सब्जियों के साथ जो है वो बन रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं कहूँगी कि अगर चावल नहीं भी ऐड होना इसके अंदर तो ये जो हमारे एग और वेजिटेबल्स के साथ जो बने हैं, यमी यमी, ये वैसे ही बहुत डिलिशियस लग रहे हैं। एक इतनी मज़ेदार सी खुशबू, और ये दिखने में आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग फॉलो करें और वही सॉसेस डालें जो इन्होंने डाली हैं। जी देखिए, अब ये हम हमारे चावल ऐड हो रहे हैं, बॉइल्ड हमने बॉइल्ड एग्स थे हमारे रखे थे हमने, इसको हम बस इसमें, और ये हमारा बिल्कुल ना एग का शाशलिक टाइप नहीं होता उस टाइप का हमारा बन गया। और साथ ही हमने इसमें अपने जो राइस है वो भी ऐड एग्स के साथ राइस मिक्स कर दिए हैं, वेजिटेबल्स है हमारी ये। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कॉल है नवाज साहब की फ्रॉम सऊदी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नवाज साहब, अगर टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया हुआ तो प्लीज कवर। हेलो 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 अनिल, आपकी आवाज सही नहीं आ रही आपकी, बस मेरा कोर्टों के बारे में बता देना, मैं लाइव देख रहा हूँ प्रोग्राम जी। उस दिन मेरे कोर्ट जो बनाए थे जी, बनाने से पहले अंडा बीच में रख के और कुछ लगाया था तेल में डालने से पहले कुछ लगाया था, मैं लगाया था, वो दरवाजे करके बता दें ताकि वो कोफ्ते हम आसानी से बना सकें। ठीक है जी, हम आपको बता देते हैं, थैंक यू सो मच नवाज साहब आपने कॉल किया। ठीक है मैं बता देती हूँ, मैंने जब कीमा तैयार करके उसमें अंडा बॉईल करके रखा है ना, हाथ में इसको दबा के सेट कर लिया कोफ्ता, तो उसको मैंने फिर फेटा हुआ एक एग रखा था मैंने, ठीक है, अंडा उसमें लगाया, ब्रेड क्रम में लगाया ताकि टूटे नहीं वो, उसको फ्राई किया हमने, फ्राई किया और उसके बाद हमने मसाला जो बनाया था ग्रेवी उसमें डाल दिए बस। कीमे के इंग्रेडिएंट्स आप बता देंगी? जी मैं बता देती हूँ, अभी कीमे में ये कि आधा किलो मैंने कीमा लिया था, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने खशखाश और 1 बड़ी प्याज मिक्स करके उसको पीस लिया था मैंने, ग्राइंड कर लिया था, उसमें कुटी हुई मिर्ची मैंने डाली 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर डाला था मैंने 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था उसमें, और 1 अंडा ताकि हमारा कीमा जो है जुड़ा रहे उसमें ना, टूटे नहीं कोफ्ते, बस उसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसमें हमने बॉयल एग पहले से रखे थे, उसको दबा के हमने कोफ्ता बनाया बड़ा सा एक, उसके बाद हमने उस कोफ्ते को टूटने से बचने के लिए ना फेटे हुए अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्स लगाए हमने और उसको हमने फ्राई कर लिया, फुल फ्राई चारों तरफ से जाके सेटिंग हो जाए इसके साथ, हो जाए। बार बार बता रही है डबल रोटी का जो चूरा होता है, हाँ, डबल रोटी का चूरा ब्रेड क्रम्स जो है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्ली हो जाए, साथ ही साथ हमारे जो एग फ्राइड राइस है वो भी रेडी हो रहे हैं यहाँ पे तकरीबन हो गए हैं। और दोस्तों खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और इतने डिलिशियस लग रहे हैं ये इस वक्त चावल यहाँ पे। थोड़ा सा हम सीजनिंग के लिए जरा सा नमक और डाल लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने सब्जियाँ जो डाली है ना वो फीकी थी ना। और एक बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पर उड़ रही है। और दोस्तों आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, आप लोग कॉल करके बताइए। हर पाकिस्तानी क्रिश्चियन अपनी जगह अहम है और वो कुछ ना कुछ खिदमात अंजाम दे रहा है, तो बताइए ना, कॉल बताएं, अब ये उनका डिपेंड करता है कि बताएं, मौका दिया फोन करें, बताएं जो है वो कॉल करके बताएं भाई मैंने ये किया, अच्छा लगेगा और क्या। अच्छा जी, और ये कोई चाइनीज स्टाइल में इन्होंने उठाया है इसको और हिलाया है। अनीला से मुझे बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला, छोटी छोटी काफी चीजें, पता है अनीला कल मैं कुकिंग कर रही थी घर पे, तो ना मैं पूरा दिन थोड़ी बिजी थी, तो जैसे मैं घर पहुंची मैंने लिया यार डिनर नहीं प्रिपेयर हुआ है, अब मैंने प्याज काट के डाल दी ऑयल में, अब प्याज पता है ना वो फ्राई होने में काफी टाइम लगाते हैं, मुझे आपकी बात याद आ गई कि प्याज जल्दी फ्राई करने तो नमक डाल दें, नमक डाल दें आप थोड़ा सा, फिर मैंने उसमें नमक डाले और फिर वो हो गए, हो गई ना ये बहुत अच्छी टेक्निक। और हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर आपको मजेदार और अच्छी अच्छी मजीद जो है टिप्स देंगे, आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।